आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड प्रमेय और शेष पर प्रमेय के बारे में बताया था। अब हमारा सवाल नंबर आठवां है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक रूप एक गुणनखंड एक्स प्लस ई है, तो हमें बताना है यानी पी और क्यू के संबंध बताना है। और संबंध ये बताना है, संबंध बताना है कि a बराबर n माइनस क्यू बटे m माइनस पी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम क्योंकि ये x प्लस ए का गुणनखंड है और क्यू एक्स का भी है और पी एक्स का भी है, तो हम x प्लस ए बराबर जीरो तो x बराबर माइनस ए रखेंगे क्योंकि गुणनखंड है, इसलिए p x की जगह माइनस ए रखा तो p माइनस ए और q माइनस ए का मान शून्य हो जाएगा। ये नियम है गुणनखंड प्रमेय द्वारा, यदि कोई इसका बहुपद का गुणनखंड होता है, कोई बहुपद बहुपद का गुणनखंड होता है तो वह उसका मान शून्य आएगा। तो x प्लस ए पी एक्स व क्यू एक्स के गुणनखंड हैं, इसलिए ये p माइनस ए और q माइनस ए का मान शून्य हो जाएगा। हमने p की a की x की जगह पर माइनस ए रखा तो माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस p माइनस ए प्लस q, a का स्क्वायर माइनस पी ए प्लस q, और यहाँ पर जीरो रख दिया तो जीरो है। q माइनस ए बराबर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस एम ए प्लस एन। समीकरण दो बन गए, दो समीकरण दिए गए थे, दो क्योंकि x प्लस ए इन दोनों का गुणनखंड है तो दो समीकरण बनेंगे। इन दोनों समीकरणों में बाएं पक्ष शून्य है तो यहाँ भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। यदि बाएं पक्ष बराबर होता है तो दाएं पक्ष भी बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर कर दिए जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आया, हमने पक्षांतर किया तो ए एम माइनस ए पी बराबर एन माइनस क्यू, ए कॉमन ले लिया तो एम माइनस पी बराबर एन माइनस क्यू, ए बराबर एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी प्रूव हो गया। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एट दो एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड एक्स प्लस एक्स माइनस वन है, तो एक्स के का मान बताइए। एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो x बराबर 1 रखने पर क्योंकि गुणनखंड है x माइनस वन इसका गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 1 रखेंगे तो p 1 बराबर 0 होगा क्योंकि x माइनस वन बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय द्वारा हमें मालूम है गुणनखंड प्रमेय में कि अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो वह बहुपद कुछ शून्य बना देगा। x की जगह हमने 1 रखा तो k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर दो इंटू 1 प्लस 1 जीरो जीरो बराबर के माइनस अंडर रूट दो प्लस वन आया तो के का मान आया अंडर रूट दो माइनस वन। अब ग्यारहवा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड एक्स माइनस दो तथा एक्स माइनस तीन है, तो ए और बी के मान बताइए। तो एक्स माइनस दो पी एक्स का गुणनखंड है तो एक्स माइनस दो बराबर जीरो जीरो, तो एक्स बराबर दो रखने पर पी दो बराबर जीरो हो जाएगा। ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा होता है, पी दो दो रखा दो बराबर दो का स्क्वायर पर ए इंटू दो प्लस बी, तो ये जीरो हो गया, जीरो बराबर दो ए प्लस बी प्लस चार। तो ए एक्स माइनस वन पुनः अब एक्स प्लस माइनस वन दो और एक्स माइनस तीन दोनों गुणनखंड है तो प्रमेय एक्स माइनस दो रखा है, अब हम एक्स माइनस तीन रखेंगे तो एक्स बराबर माइनस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर तीन रखने पर पी एक्स का गुणनखंड तो एक्स माइनस तीन पी एक्स का गुणनखंड है, तो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर तीन रखने पर पी तीन का मान भी शून्य होगा। पी तीन बराबर तीन स्क्वायर तीन इंटू ए प्लस बी, हमें समीकरण में एक्स बराबर पहले दो रखा था और हमने तीन रखा तो हमारा समीकरण बना जीरो बराबर तीन ए प्लस बी प्लस नौ, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो की तुलना करने पर तीन ए प्लस, अब क्योंकि तुलना की तो दोनों को हम बराबर करेंगे, बराबर करने पर पक्षांतर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर दो पद हैं,
लवण के गुणनखंड करेंगे पक्षांतर करके तो दो समीकरण बना लेंगे, 3a + b = -9 और 2a + 3b = -4, दोनों को घटा देंगे क्योंकि अब जब पक्षांतर करेंगे तो भी घट जाएगा। तो ये आया माइनस माइनस और ये घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो a बराबर बी कट जाएगा बराबर -5। ये योगपद प्रमेय 8वें में पढ़ी थी वही वाली प्रमेय है a = -5। समीकरण एक में a = -5 रखने पर 2 × -5 + b = -4 -10 + b = -4 b = 6 अतः a का मान -5 और b का मान 6 हो जाएगा। 13वां सवाल है, अभी 3 घात वाला अगर कोई समीकरण आता है तो इसमें प्रमेय है जिसका शेषफल प्रमेय, उस शेषफल प्रमेय का हम प्रमेय का गुणनखंड करेंगे तो इस सवाल में शेषफल प्रमेय लगेगी और गुणनखंड प्रमेय भी लगेगी, दोनों प्रमेय लगेंगी। तो 3 घात होने पर शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं तो 3 घात लगी है, इनके गुणनखंड निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसमें हम अपने मन से 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3 मान रखते चले जाते हैं। पहले हम 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, ऐसे जो इसको 0 बना दे वो इसका गुणनखंड बन जाएगा। तो हमने x = 1 रखने पर p1 × 1³ + 7 × 1² + 2 × 1 - 4 p2 = 2² + 3 + 7 × 2² - 2 - 46 तो हमारा 0 x = 2 रखने पर 1 रखने पर 0 नहीं आया, हमने x = 1 रखा तो 1³ - 7 + 2 - 40 = ≠ 0 तो x - 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हमने x = 2 रखा, -1 रखेंगे लेकिन हमने ये देख लिया कि नंबर ये माइनस यानी वैल्यू कम आ रही है, -1 नहीं रखा सिर्फ 2 रखा, 2 रखने पर 2³ + 7 × 2² - 2 - 2 - 40 तो 8 + 28 + 4 - 40 = 0 आ गया। अब क्योंकि 0 आ गया अतः ये x - 2 का मतलब x - 2 ही x का गुणनखंड होगा, सिद्ध हो गया। अब हमें आगे रखने की आवश्यकता नहीं, एक गुणनखंड प्राप्त हो गया x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हम x - 2 का भाग करेंगे इस बहुपद में x³ + 7x² + 2x - 40 में, तो भाग करना आता ही है, x पहले पद का पहले पद में भाग x²³ और फिर इसका मल्टीप्लाई x² + 2x² - 2x² + हो गया 2 + 7 = 9x² + 2x - 40 होता लिया। अब ये 9 बार जाएगा तो 9x² + 9 × 18x = 18 और 2 = 20 हो गया 20 - 40 तो 20x - 40 ये 0 आ गया। अब x² + 9x + 20 अब हम x² + 9x + 20 के गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके खंड तोड़ना मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करेंगे तो 5 × 4 = 9 x² + 5x + 4x + 20 x कॉमन आ गया x + 5 + 4 कॉमन आ गया तो x + 5 तो हमारा x - 2 x + 2 x + 5 x - 2 x + 5 x - 4 ये 3 गुणनखंड इसके आए। त्रिघात है तो 3 गुणनखंड हो गए, द्विघात है तो 2 गुणनखंड हो गए। या अगर भाग करना नहीं चाहते हैं तो उसको सेकंड विधि है, इस समीकरण को ऐसे ही लिख लेंगे, लिखने के बाद इसमें से हम एक लाइन छोड़ देंगे और उसमें x - 2 को 3 बार लिखेंगे, फिर x³ बनाने के लिए हमने x² का इसमें गुणा किया तो x² s³
और ये लाइन भरेंगे ऊपर वाली माइनस दो एक्स स्क्वायर। अब हम माइनस दो एक्स स्क्वायर में इतना जोड़ना है कि सात एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हमने नौ एक्स जो स्क्वायर जोड़ लिया तो नौ एक्स कॉमन आया, यहाँ पर नौ एक्स स्क्वायर हो गया और नौ दूनी अठारह एक्स आया। अब मैंने अठारह एक्स में इतना जोड़ना है कि दो एक्स आ जाए, हमने बीस एक्स जोड़ा तो प्लस बीस आ गया, एक्स माइनस दो बीस दूनी चालीस, मेरा ये लाइन पूरी भर गई हमारा एक्स माइनस दो एक्स स्क्वायर पर नौ एक्स प्लस बीस। यहाँ हमें भाग नहीं करना पड़ा, यहाँ पर भाग करना पड़ा, नौ एक्स स्क्वायर पर नौ एक्स प्लस बीस यहाँ भी आया, एक्स स्क्वायर पर नौ एक्स प्लस बीस यहाँ पर भी आया। ठीक है, सूत्री घात समीकरण के सभी प्रश्न हल करिए और जो नहीं आए वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये अध्याय समाप्त हो गई है, अब हमें गुणाखंड चनम वो निर्विकांत ज्योमेट्री के बारे में बताना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल बताने हैं। ध्यान रखिए, अगर मैं चैप्टर इन दोनों अध्यायों को के प्रश्नों को हल करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए सभी प्रश्नों को, यानी दोनों अध्याय के प्रश्नों को की फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए।